नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानव श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक सवाल और बड़ी ही गंभीरता से खड़ा हुआ, वो ये कि क्या बीते 5 दशक से दलित मतों पर एकाधिकार जमाए मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी से दलित समुदाय के लोग अलग हो रहे हैं क्या? और दूसरा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश की दलित सियासत में क्या किसी नए चेहरे का आगाज हो रहा है, और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले और जीत कर आने वाले चंद्रशेखर हैं। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से 2014 से लेकर के और अब तक दलित वोट बैंक मायावती के साथ बड़ी तादाद में खड़ा रहा, वो इस बार कहीं नजर नहीं आया, वो सीधे इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया। और यही वजह है कि मायावती का जो दलितों का जो वोट शेयर है वो 10% से भी नीचे आ गया। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि क्या चंद्रशेखर अब आने वाले वक्त में मायावती की जगह लेने जा रहे हैं? और दूसरा अहम सवाल ये कि अगर मायावती ये बात मान लेती और जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, जो तमाम नेता थे, वो जो इस बात के लिए बार बार अनुरोध कर रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए, तो शायद उत्तर प्रदेश और देश में तस्वीर बिल्कुल ही दूसरी होती। जो राजनीति के विश्लेषक है वो इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि कम से कम 16 ऐसी सीटें हैं जो शायद इंडिया गठबंधन के खाते में आ जाती अगर बहुजन समाज पार्टी का साथ होता। निश्चित तौर पर मायावती 0 पे ना रहती और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कुछ सीटें और बढ़ जाती। इन हालातों में शायद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती और मायावती के पास एक मौका होता कि वो फिर से अपने डूबते हुए जहाज को फिर से किनारे तक ले आए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो आज इस बहस को हम इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रखेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जो अलग अलग सियासी दलों से आए हैं वो मौजूद हैं। आप सभी का उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ ऋचा राजपूत जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रही है। फराज किदवई साहब जो समाजवादी पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगे। सुशील पासी जी, बड़ी अहम भूमिका रही उनकी रायबरेली अमेठी की सीट पर, और वो लगातार कांग्रेस के लिए कैंपेन करते रहे। आपका भी बहुत स्वागत है सुशील जी। और विजय उपाध्याय जी जो राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ चंद्रशेखर की पार्टी से सुनील कुमार चित्तौड़ जी भी शामिल हो रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है चित्तौड़ साहब। चित्तौड़ साहब, मुझे लगता है कि शुरुआत आज मुझे आपसे ही करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी है और मायावती है, दलित समुदाय का मोह भंग अब मायावती से और बहुजन समाज पार्टी से हो गया है? और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये कि क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में एक नए दलित चेहरे का आगाज हो रहा है जो आने वाले वक्त में मायावती की बहुजन समाज पार्टी की जगह ले सकता है? मानस श्रीवास्तव जी, पहले तो मैं न्यूज 24 का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के वजन को समझा, आजाद समाज पार्टी के कद को समझा। और जहां तक आज की डिबेट का सवाल है, जो सब्जेक्ट है, इस पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में ये साबित हो चुका है कि जो दलित समाज का वोट है, जो अन्य पिछड़े वर्ग का वोट है, अल्पसंख्यक समाज में जो खासकर मुस्लिम समाज का वोट है, वह आजाद समाज पार्टी की तरफ तेजी से मुड़ सकता है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है नगीना लोकसभा क्षेत्र। ये लोकसभा का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं होता है। लगभग 19-20 लाख की आबादी में रहने वाले 19-20 लाख वोटरों का चुनाव है। तो लोकतांत्रिक तरीके से लोगों के दलों में जगह बनाना ये एक बड़ी बात होती है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पिछले लगभग 10 वर्ष से बहुजनों के लिए संघर्ष कर रहे थे। बहुजन समाज में दलित समाज
आदिवासी समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग समाज और मुस्लिम समाज पर जहां भी अत्याचार हुए, बड़े बड़े जघन्य घटनाएं हुई, उन पर जहां भी गए तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद गए, कमजोर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए तो भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए, और पिछले 10 साल से लगातार उनका संघर्ष जारी रहा। इस संघर्ष से उनको पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी ख्याति मिली, उनकी पहचान बनी, और यही पहचान नगीना लोकसभा क्षेत्र में उनके जीत का मुख्य कारण बनी, क्योंकि नगीना लोकसभा क्षेत्र में उनके सकल के कारण, उनके चेहरे के कारण, उनके संघर्ष के कारण, उनकी पहचान के कारण ये मैसेज चला गया दलित समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर, अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के अंदर कि चंद्रशेखर आजाद को हमें वोट देना चाहिए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद हमारे नगीना लोकसभा क्षेत्र के अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों में एक अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहली बार नहीं पिछले 10 साल से कमजोर वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये भरोसा कर नगीना लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना वोट दिया है, और जीतने के बाद पूरे देश के अंदर आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के साथ साथ बहुजन समाज के लोगों में एक आशा की किरण पैदा हुई है कि पार्लियामेंट के अंदर हम लोगों की आवाज बुलंद करने वाला एक तेज तर्रार युवा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हम लोगों की लड़ाई लड़ने वाले नेता के रूप में गए हैं। तो जो समाज बहुजन समाज पार्टी में अपना भविष्य देख रहे थे, अपना रहवर देख रहे थे, जब बहुजन समाज पार्टी प्रत्येक चुनाव में कमजोर होती चली गई, तो ऐसी स्थिति में जब ये चुनाव लोकसभा का जो संपन्न हुआ है इसमें बहुजन समाज पार्टी काफी कमजोर हो गई, तो उधर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आ गए, तो पूरे देश में अब दलितों के साथ साथ बहुजन समाज की सभी जातियों के लोग भाई चंद्रशेखर आजाद के रूप में अपना रहवर देख रहे हैं, अपना कुशल नेता देख रहे हैं। चलिए फराज किदवई साहब जुड़ गए, सवाल उनसे लेते हैं, सुशील पासी जी इसके बाद आपके पास आएंगे। फराज किदवई साहब, आपसे एक सीधा सवाल ये कि आपको लगता है कि चंद्रशेखर को साथ में ना लेकर के कोई चूक हो गई आपसे? नहीं माना जी, देखिए क्या है कि चंद्रशेखर जी नो डाउट एक युवा नेता हैं और बहुजन समाज की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो जिसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो चंद्रशेखर जी का हो चाहे हमारा हो, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। तो चंद्रशेखर जी देखिए नगीना सीट से कामयाब हुए हैं, हमारी उनकी उनको शुभकामनाएं हैं, और चंद्रशेखर जी सुनील जी सही बोल रहे हैं, एक उभरते हुए युवा SC नेता हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि जो कि पूरा भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हमने मानस जी हराया है। लेकिन तस्वीर दूसरी हो सकती थी, देखिए बहुजन समाज पार्टी को न लेने का भी फैसला समाजवादी पार्टी का था, कांग्रेस को लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन अगर आपने देखा होगा जो अब विश्लेषण हो रहा है, ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश से आपको 60 सीटें मिल सकती थी, और जो सीटें आप लूज करके बसपा की वजह से, उसमें शाहजहांपुर, उन्नाव, अलीगढ़, अकबरपुर, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, बिजनौर, 15 सीटें हैं जी, ऐसी सीटें हैं ये। इन सीटों का मैं डाटा देख रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि अगर बसपा साथ में होती और अगर बसपा ना भी होती तो चंद्रशेखर जी अगर साथ में होते तो एक बड़ा हिस्सा दलित समाज का आपके पास आता, तस्वीर बदल जाती, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। नहीं मानस जी, देखिए क्या है कि माननीय काशीराम साहब जी ने एक बार बोला था कि वो तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक के व्यवस्था के पीड़ितों को उनका अधिकार नहीं दिलवा देंगे। आप देखिए कि नगीना को अगर आप छोड़ दीजिए, हम लोग लखनऊ में बैठे हुए हैं, अवध क्षेत्र में इस टाइम बैठे हुए हैं, अवध रीजन की 17 सीटों में मानस जी भारतीय जनता पार्टी केवल 7 सीटों पर ही चुनाव जीत पाती है, जो कि पिछली बार ये 15 सीटों पर जीती थी। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि हमको खाली मुस्लिम का वोट मिला हो या यादव भाइयों का मिला हो, हम आप यहां से लगी हुई सीट बाराबंकी है, वहां पे बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर था BSP का वो समाजवादी पार्टी को मिला। फैजाबाद में आप देख लीजिए, फैजाबाद में भी अवधेश प्रसाद जी को बहुजन समाज पार्टी का मैक्सिमम वोट हमको मिला है। तो क्या है कि BSP का जो कोर वोटर है मानस जी, ये देखिए, ये तो हम और आप टीवी पर चर्चा कर सकते हैं कि हमने BSP को साथ नहीं लिया,
क्या बहन जी, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं मानस जी, आपको इतना ज्यादा तजुर्बा है कि माननीय बहन जी, जो काशीराम साहब का मिशन था, काशीराम साहब एक महापुरुष थे, उन्होंने एक जो मिशन खड़ा किया था, क्या उसको आगे ले जाने के लिए वो सीरियस हैं? अपने बताइए, आकाश आनंद जी को उन्होंने बीच चुनाव में उनके सारे पद ले लिए, ऐसा कहीं किसी भी पोलिटिकल सिस्टम या अपने पोलिटिकल डिस्कोर्स में कभी कुछ देखा है? तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी खुद नहीं है लोकतंत्र सीरियस है लोकतंत्र में हिस्सा लेने के लिए। और आज जो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, उसको माननीय काशीराम साहब की छवि आदरणीय अखिलेश यादव जी में दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो एससी और एसटी की लड़ाई है, अभी मैं तो नाम लेकर के बोल देता हूं कि अभी मैं, आप एक, आप ही की तरह एक लीडिंग न्यूज चैनल है मानस जी, उस पे एक अपने आप को जेएनयू का प्रोफेसर बोलते हैं, आरएसएस के विचारक हैं, आप वहां तक पहुंच गए होंगे, उन्होंने अभी पता है क्या स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पासी भाइयों के लिए, कि पासी भाई और कुर्मी भाई जिन्होंने इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में वोट दिया है, वो भुगतेंगे। ये ऑन ईयर स्टेटमेंट दिया है। तो इन लोगों का जो दिमागी संतुलन है वो यहां तक हो चुका है कि जिन्होंने इंडिया गठ, जो वो ओबीसी और एससी एसटी भाई जिन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, वो भुगतेंगे। तो इस तरह की, आप ये समझ लिए, भारतीय जनता पार्टी और इनके जो विचारक हैं, ये भाषा बोलने पर मजबूर हो गए उत्तर प्रदेश में, वो इसलिए मजबूर हो गए। आप देखिए, बहुत बहुत ही एक चीज एनालाइज करिएगा कि माननीय काशीराम साहब का मिशन और बहन जी की सोशल इंजीनियरिंग को अगर किसी ने 2024 में खासकर उत्तर प्रदेश में अगर पेश किया है, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पेश किया है, चाहे वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का हो या विनिबिलिटी। देख लीजिए, हमने 10 कुर्मी भाइयों को टिकट दिए जिसमें से 7 जीते, हमने जो नॉन एससी सीटें हुआ करती, 2 ऐसी नॉन एससी सीटें जिसपे हमने एससी समाज के लोगों को टिकट दिया, फैजाबाद एक उसका बहुत बड़ा उदाहरण है, एक और सीट ऐसी है। तो मानस जी, जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी, और दूसरी बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपके ही जो टीवी चैनल है उस पे मैं बैठा हुआ था जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुए, उस दिन मैंने बोला था कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये 7 फेजेस में जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन करा रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी में करा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसका बेनिफिट लेना चाहती है, लेकिन भुगतेंगे जो, जिन लोगों की ड्यूटी लगी होगी, जो सरकारी कर्मचारी है। मानस जी, आपके शो में मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके उन तमाम सरकारी कर्मचारी जिनकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी, जो 50 डिग्री 48 डिग्री के टेम्परेचर में जो परमानेंट वहां काम कर रहे थे, और वो सरकारी कर्मचारी जो अपनी इस ड्यूटी का निर्वाहन करने में शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि, उनके परिवार के लोगों के साथ हमारी समाजवादी पार्टी की हमारी सहानुभूति है, और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस इलेक्शन को अंजाम देने में 50 डिग्री 48 डिग्री सेंटीग्रेड में जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने अपना घर छोड़ा, कड़ी धूप के नीचे बैठे रहे, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या है मानस जी, हम अपने फिर पॉइंट पर आते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो कि श्रद्धेय नेता जी की जो सामाजिक, जो समाजवादी सोच है, माननीय काशीराम साहब का जो एक मिशन था, और माननीय बहन जी जो अपने पॉलिटिकल रास्ते से भटक गई हैं सोशल इंजीनियरिंग के, उन सबको तमाम चीजों को लेकर के अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई एक नौजवान नेता खड़ा हुआ है, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हुए हैं, और उसका आपने रिजल्ट देखा कि समाजवादी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उत्तर प्रदेश में उभरी है। चलिए, सुशील पासी जी मौजूद है। सुशील जी, मैंने तो आपको बहुत देखा अमेठी रैली में, लगातार आप कैंपेन में साथ साथ थे, हर बार आप मंच पर मौजूद रहते थे। ये अलग बात है कि उस दौरान मुलाकात नहीं हो पाई, आप अपने प्रचार में व्यस्त थे और मैं अपने काम में, लेकिन चलिए, अमेठी भी आपने वापस ले ली, रायबरेली की सीट भी जीत गए, लेकिन कहीं आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को आप साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, किन्हीं कारणों से वो नहीं जुड़ पाई, वरना स्थिति बहुत दूसरी हो जाती। करीब करीब 60 सीटें आप उत्तर प्रदेश में जीत के आ पाते। दूसरी तरफ आपने चंद्रशेखर के भी जो उनका जो जिस तरीके का ऑरा बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं आप उसको समझ नहीं पाए। अगर उनको भी साथ ले लेते अगर आप, तो शायद स्थिति दूसरी होती। आपको लगता है कि रणनीतिक चूक हो गई आप लोगों से? मानस जी, ये जो चुनाव हुआ है, ये चंद्रशेखर या मायावती जी या इस पर चुनाव नहीं हुआ है, ये चुनाव दलितों ने और पिछड़ों ने संविधान को कैसे बचाया जाए। और जब जननायक राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के निकले, तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अगर प्रताड़ित किया, तो कमजोर जातियों को प्रताड़ित करने का काम किया।
उस समय अगर कोई आगे बढ़कर के आया तो जननायक राहुल गांधी जी आए। और सबसे बड़ी बात जो राहुल जी ने कहा, हिस्सेदारी की बात कही, भागीदारी की बात कही, जो बात कभी मनोहर काशीराम जी कहा करते थे। अब इस देश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जात के साथ जो आदिवासी पिछड़े लोग हैं वो ये समझने लगे कि अगर हम किसी एक जाति के नेता के पीछे भागेंगे तो उससे समाज में बंटवारा होना शुरू हो जाएगा। 6 दिसंबर 1956 के बाद इस देश में एक नैरेटिव बनाया गया कि इस देश में परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के बाद, यानी 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब नहीं रहे तो क्या उसके बाद इस देश के अनुसूचित जात के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? उनको नौकरी में कौन लाया? उनको शिक्षा में कौन लाया? तो जो नई पीढ़ी है उसने इसको समझने की कोशिश की कि कांग्रेस की खिलाफत करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोग एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाए। इसलिए जितने भी थिंकर थे, जितने भी सोच विचार विचारक थे, उन्होंने मायावती का साथ छोड़ दिया और मायावती को अपने हाल पे छोड़ दिया। हालांकि हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन में मायावती जी को आना चाहिए और इस सरकार का नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन उनकी क्या मजबूरी थी, क्या व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को अनुसूचित जाति जिनको आप दलित कहते हैं उन्होंने बखूबी समझा। जहां का सवाल चंद्रशेखर जी का है, चंद्रशेखर जी जिस सीट पर मजबूत थे वहां पर पूरी ताकत से वहां के अनुसूचित जात के लोगों ने चंद्रशेखर भाई को अपना नेता मानकर संसद पहुंचाया, लेकिन दूसरी जगह पर जहां अनुसूचित जाति की दूसरी जातियां थी उन्होंने इंडिया गठबंधन को ताकत दिया। और अभी जो हमारे भाई साहब कह रहे थे अयोध्या में अवधेश पासी, ये पासी बिरादरी के अवध क्षेत्र में जो पासी जातियां थी उन्होंने पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन का साथ दिया और फैजाबाद में जो अवधेश पासी जी जीते हैं उसमें 5 लाख वोटर केवल फैजाबाद का है। बगल में आपकी बाराबंकी है, अवध क्षेत्र आता है, फिर सीतापुर आता है, फिर रायबरेली आता है, फिर अमेठी आता है, फिर इलाहाबाद आता है, तो ये एक पूरा क्षेत्र है। और उस पूरे क्षेत्र में दलितों ने केवल एक मिशन लेकर के चले जहां समाजवादी पार्टी जीत सकती है, पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी को साथ दिया। अगर कहीं चंद्रशेखर भाई जीतने की स्थिति में उनको लगा तो पूरे समाज के लोगों ने उसका साथ देने का काम किया, और जहां कांग्रेस नजर आई वहां कांग्रेस को साथ देने का काम किया। लड़ाई केवल थी हम 400 पार का जो नारा दिया गया, जो अहंकार था उस अहंकार को तोड़ने के लिए अनुसूचित जाति के लोग एकजुट हो गए। 80 पार का नारा दे दिया भाई और कांग्रेस मुक्त का नारा दे दिया। इस नारे को अनुसूचित जात के लोगों ने दिल से ले लिया। भारतीय जनता पार्टी इस मुगालते में थी कि हम 5 किलो राशन से ही अनुसूचित जात के लोगों को लाभार्थी बना करके उनका वोट लेते रहेंगे, लेकिन अनुसूचित जात के लोग नौकरी भी चाहते हैं। आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं, वो सशक्त होना चाहते हैं, वो हिस्सेदारी चाहते हैं, वो भागीदारी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इतना छल किया कि वो मुखर होकर के इस बार चुनाव में पार्टियां कम लड़ी है, समाज ज्यादा लड़ा है। पार्टियां तो लड़ी रही थी सिंबल के रूप में, नेता के रूप में, लेकिन जनमानस ने पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ा है। मानस जी, मैं आपके साथ कई बार डिबेट पे रहा हूं, मैं अक्सर कहा करता था कि अनुसूचित जाति के लोग इतने अधिक समझदार हो चुके हैं कि अब वो अपने वोट को, सूझबूझ को और विशेषकर संविधान को और आरक्षण को लेकर के वो बहुत मुखर होते हैं और दिल पर ले लेते हैं। जब उनकी संविधान पर और आरक्षण पर आज आएगा तो मैं बता रहा हूं मानस जी, इस देश का अनुसूचित जाति और आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोग किसी भी हद तक बुजुर्ग जाएंगे। 400 पार का नारा देकर उन्होंने अनुसूचित जात के लोगों को आंदोलित किया। भाजपा ये बताने में असफल हो गई कि आखिर वो 400 पार का नारा क्यों, वो सीटें क्यों चाहते हैं। जैसे जैसे मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, घर छीन लेगी, आप भी ये नैरेटिव चिपकाने में बहुत कामयाब रहे कि बीजेपी संविधान बदलने जा रही है। हाँ, ये अरे उनके नेताओं ने कहा, मानस जी आपके चैनल पे, आपके नेशनल चैनल पर सारे सांसदों ने कहा कि 400 पार आने पर हम इस देश में संविधान बदल देंगे। तो आप बताइए मानस जी, इस देश में अनुसूचित जात के लोग प्रोफेसर हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, सब मनरेगा में मजदूरी नहीं करते हैं, तो संविधान को बचाने के लिए ये लड़ाई, आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लोग अपने दिल पर लेकर के इस चुनाव में कूद पड़े। फराज भाई आपके पास आ रहे,
एक सवाल का जवाब ऋचा राजपूत जी से ले लें। ऋचा राजपूत जी आप सुन रही है ना, अब मेरा जी, सवाल लेकिन एक सवाल के नहीं, इनके इनके सवालों के जवाब दीजिए ना, कि वो लिख लेंगे जवाब। इतनी आप सीधे जवाब ताकत लगा के बोल रहे थे मेरे भाई, इतनी एनर्जी के साथ कि मैं सुन रही थी बड़ा। नहीं नहीं आप सवाल पूछो, मैं थोड़ा देर से भी आप सवाल पूछो। ये सवाल मेरा ये था कि अगर बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव न लड़ती तो जो डाटा सामने रखा हुआ उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन 60 सीटों पर पहुंच जाती, यानी ये जो जीत आपको जो मिली भी है उत्तर प्रदेश में, जो आपको सीटें मिल भी गई, ये सीटें इसलिए नहीं मिल गई कि बीजेपी ने उन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि वहां पर मायावती की रणनीति काम कर गई, वो वोट बैंक इंडिया गठबंधन का कट गया, इस वजह से आप जीत गई, वरना और भी हालत खराब होने वाली थी आपकी। यानी दूसरे तरीके से सवाल पूछा जाए तो वो दलित वोट बैंक जिसको 2014 में मोदी जी बड़ी बड़ी मेहनत करके आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग खींच करके लाए थे, वो दलित आपको छोड़ के जा चुका है। जी देखिए, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि मायावती जी ने बिल्कुल भी चुनाव खराब लड़ा, या मायावती जी थोड़ा और ज्यादा लड़ती तो हमें नुकसान होता, क्योंकि मायावती जी भी, हाँ ये मैं मानूंगी कि कहीं ना कहीं जो उनका समाज है वो उनपे थोड़ा कम भरोसा किया है इस बार। इसका रीजन तो मुझे लगता है कि खुद मायावती जी थी सक्षम है, एक बार की मुख्यमंत्री रही है, एक महिला होने के नाते मुझे लगता है वो खुद सक्षम है अपनी बातों के जवाब देने के। लेकिन अगर ओवरऑल आप वोट का समझेंगे तो 9 या 10% वोट पाई है, 9 या 2-10 वोट में आप ये मत सोचिए कि नहीं भाजपा ये 80 पा जाते और हम बिल्कुल वही बीच में रुक जाते। दूसरा ये जो कह रहे थे मेरे भाई लगातार, हम अपनी लोहिया आवाज विचारधारा ये फलाना ढिमाका सारी विचारधारा से जीत गए, मतलब समाजवादी पार्टी, मैंने कल भी एक मुद्दा रखा था कि आप ये बताइए समाजवादी पार्टी लड़ी किसमें है, अपने मैनिफेस्टो पे लड़ी है क्या? लड़ी तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से है, और कांग्रेस को दे रखे थे 17 सीटें, कांग्रेस कितनी सीटें जीत के आई है। ये जो आपकी कहते हैं कभी कभी निशाना लगाओ तो तुक्के में भी एक दो लग जाते हैं, देखिए ये चीज अच्छी है कि अखिलेश यादव जी ने मेहनत करी, अपनी पारिवारिक सीटों को बचाने के लिए दम भरा, और उन्हीं के माध्यम से जो हवा चल रही थी उसके माध्यम से आप दूसरी सीटें भी जीते। लेकिन अगर आप ये बोलो कि हम अपनी विचारधारा से जीते, हम अपने सिद्धांतों से जीते, ये सब बातें एकदम निराधार है। आपके ही समय के एक नेता रहे हैं बहुत बड़े ओबीसी समाज, एक बहुत बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर जी, उनकी विचारधारा ये थी कि आजीवन, मतलब आप ये माने कि वो आजीवन नेता, मतलब विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, आज तक कभी भी उन्होंने 1 रुपए जोड़ के अपने बच्चों को नहीं दिया। ये आपकी विचारधारा थी, आपकी विचारधारा लोहिया वाली विचारधारा थी, लेकिन आज जो आपकी विचारधारा है वो बहुत अलग है। आप ये मत कहिए कि आप इन्हीं गठबंधन के साथ लड़े, आप उस गठबंधन के साथ लड़े जिसको आपने मध्य प्रदेश में गाली दी थी जाके, आप उस गठबंधन के साथ लड़े हो जिसने आपको राजस्थान में गाली दी है, तो आपकी एकता ये सब कहीं भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा कोई ना कोई नया इतिहास लिखती है, ये बात आपको भी पता है, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो कानपुर बुंदेलखंड हो। दूसरा बात, आप किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? आप ही के समय पे हमने मुलायम सिंह यादव जी को मंच पे बेइज्जत होते देखा, आप ही के समय आपके जो घर के शिवपाल चाचा हैं उनको आपकी पार्टी से टूट के अलग पार्टी बनाते हुए देखा, और आपके ही नेताजी को अगर पद्म विभूषण किसी ने दिया तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और आपके ही कर्पूरी ठाकुर जी को अगर किसी ने सम्मान दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मुलायम, देखिए मायावती जी की बात समाजवादी पार्टी तो ना ही करे, मायावती जी के ही अस्मिता को लूटने का काम किया था समाजवादी पार्टी के गुंडे ने, ये तो किसी से नहीं छुपा है। दूसरी चीज, हिस्सेदारी, जाति भागीदारी की बात कर रहे हैं, मतलब सोचिए जिसने 70 साल राज किया वो आज डबल डिजिट में आगे कितना खुश है, मतलब इतनी ज्यादा खुश है कि अरे बस ये 400 पार नहीं हुए, ये पूर्ण बहुमत नहीं है, इसी में इतनी खुशी मनाए ले रहा है कि आज ये मोदी जी की 9 तारीख को शपथ भी नहीं देख पाएंगे, मारे खुशी के वहीं पर ही लड्डू बटावट लगे, ये नहीं सोच रहे हार गए हैं कहीं भी इतनी बहुमत से नहीं आए, पर ठीक है इनको खुशी मनाने दीजिए। दूसरा, इनके हम सपा के कार्यकाल की कुछ चीजें आपको बताते हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम दलितों का सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव के समय पे हापुड़ एक जिला है जिसको हम लोग आज हापुड़ कहते हैं, उसका नाम पंचशील नगर था, इन्होंने बदल के हापुड़ करा, जिसको आज हम कासगंज कहते हैं इसका नाम काशीराम था। काशीराम आपको शब्द बुरा लगता था क्या? भदोही जिसको बोलते हैं, आप ये सोचिए भदोही का नाम आम, ये जो भदोही का नाम रखा है ये अजीब ही रखा है, और इसका नाम पहले था संत रविदास। अब जिलों के नाम सुनिएगा, संभल का नाम था भीमनगर, अमेठी का नाम था छत्रपति साहू जी नगर, अमरोहा का नाम था ज्योतिबा फूले नगर। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं आप बताइए मानस जी, इन नामों में
क्या दिक्कत थी, लेकिन आपको समस्या है दलित नाम से, आपको समस्या है हमारे जो दूर दूरदर्शी लोग रहे जिन्होंने हमें कोई विचार देखे गए हैं, तो इनपे भी कभी अखिलेश जी के संग बैठिएगा तो चिंतन जरूर करिएगा कि भाई साहब क्यों नाम बदले हैं। यही हमारे योगी के सरकार में हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा, फैजाबाद का नाम अयोध्या रखा, और आपको मानस जी याद हो कितना बवाल मचा, ये नाम बदलेंगे तो यहाँ पोस्टर कैसे बदलेगा, कागजों में पैसा खर्च होगा, ये वो, अपने जिले के नाम नहीं याद आ रहे। और जो भी भाई मेरा लखनऊ से हो, ये किंग जॉर्ज विद्यालय जो आप देखते हैं ना, इसका नाम मायावती जी ने छत्रपति साहू जी महाराज रखा था, आपने बदल के तुरंत तुरंत अंग्रेजों के नाम पे रख दिया। अच्छी बात है, इस बार विदेशी शक्ति भी मिल गई और जो पारिवारिक शक्तियां थी वो तो साथ में काम कर ही रही थी। बाकी मायावती जी की देखिए मैं व्यक्तिगत भी बहुत मतलब कहते हैं रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी नेता, और मुझे लगता है कि उनको जिस तरीके से अपने दम पे उन्होंने एक आधार बनाया, उन्हें दोबारा फिर उसी ताकत से खड़ा होना चाहिए। अपना समाज अपने पे भरोसा बंद करना बंद करे, ये थोड़ी चिंता की बात है। चलिए विजय उपाध्याय जी जुड़ गए हमारे साथ। विजय उपाध्याय जी आपसे जरूर विश्लेषण चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को लेकर के बताइए कि मायावती की जो स्थिति बनी उसके पीछे की वजह क्या थी, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या आपको अब लगता है कि चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में एक दलित चेहरे के, एक नए दलित चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं और आने वाले वक्त में वो मायावती को भी रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं नहीं, बहुत दूर की कौड़ी आप ले आ रहे हैं, इतना बड़ा सवाल मत पूछिए कि मायावती को रिप्लेस कर देंगे। बसपा के पास अभी भी करीब 84 लाख वोट उत्तर प्रदेश में उनको मिले हैं, तो ये इतनी बड़ी तादाद में लोग मायावती को वोट दे रहे हैं तो मायावती के साथ है। बसपा एक पार्टी, मजबूत पार्टी थी, थोड़ा कमजोर हो रही है, लगातार कमजोर हो रही है, तो कमजोरी के कई कारण है। इस बार तो एक नई हवा थी संविधान बचाने की, तो संविधान बचाने और 1 लाख रुपए के चक्कर में काफी लोग जो है शिफ्ट हो गए उनके वोटर। हर लोकसभा क्षेत्र में करीब 1 लाख वोट इंडिया अलायंस को गया है, तो उनको नुकसान हुआ है। लेकिन राजनीतिक दलों के जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं। थोड़े दिन पहले अभी लोग समाजवादी पार्टी को लेकर कुछ अलग ही टिप्पणियां कर रहे थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से जनता ने मैंडेट दे दिया उनको, आप सोचिए 62 सीट लड़ने वाली पार्टी 37 सीट जीत जा रही है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट समाजवादी पार्टी का हो गया। तो ऐसे ही कोई हवा मायावती के लिए आएगी और बसपा के लिए आएगी और बसपा शायद बेहतर कर जाए। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में एक बहुत रोचक बात हो रही है, जैसे आप देखिए कि सपा में बेस वोट है मुस्लिम, मुस्लिम के सिर्फ 4 प्रत्याशी दिए उन्होंने, यानी बेस वोट को टिकट नहीं देना है, बेस वोट से वोट लेना है। और मायावती ने भी जाटो समाज को टिकट नहीं दिया, क्या करना है, जाटो समाज से वोट लेना है, भाई तुम हमारी पार्टी के बेस वोट हो तो हमें बस वोट दो, हम कैंडिडेट अपने हिसाब से देंगे। और जाटो एक ही जीता है उत्तर प्रदेश में जहां तक मेरी जानकारी है, वो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद, नहीं इटावा के भी जीते हैं वो जीतेन दोहरे जी। अच्छा दोहरे जी भी जाटो है, ठीक है, तो दो जाटो हो गए, सपा से जीते हैं तो बसपा से तो कोई नहीं जीता। मैं बसपा का जो बेस वोट है मैं उसपे बसपा पे बोल रहा था, तो ठीक है दोहरे की जानकारी मुझे नहीं थी। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये नई तरीके की राजनीति के बारे में बता रही है। खुद देखिए जैसे यादव समाज के लिए सिर्फ 5 यादव समाज से किसी को टिकट नहीं, परिवार के 5 टिकट दिया है, तो एक नए तरीके की राजनीति है। और बहुत सी जगहों पे जनता ने खूब भर के वोट दिया समाजवादी पार्टी को और उनको जिताया, और समीकरण ऐसे बनते चले गए कि बीजेपी को नुकसान होता गया, सपा को फायदा होता गया। तो परिस्थितियां जब पलटती हैं तो पलट जाती हैं। तो मैं समझता हूं कि बसपा एक बुरे दौर में है और मायावती जी की पॉलिसी भी इसमें जिम्मेदार है, और सबसे बड़ा जिम्मेदार आर्थिक सहयोग है। बिना आर्थिक सहयोग के कोई पार्टी का टिकट नहीं प्राप्त कर सकता, कि पार्टी में अगर आप आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं तो टिकट नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है और शायद बसपा के पतन का सबसे बड़ा कारण यही बनता जा रहा है। किसी दिन अगर मायावती जी को लगेगा कि नहीं इसे चेंज करना चाहिए तो चेंज करेंगी और चीजें बदल सकती हैं, तो संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा जिस तरीके से चंद्रशेखर ने प्रदर्शन किया, आपको लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से एक रणनीतिक चूक हो गई कि अगर मायावती को साथ नहीं ले पा रहे थे तो कम से कम चंद्रशेखर को साथ लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में उनसे कैंपेन करवाते तो शायद जिन 16 सीटों का जिक्र आज हम देख रहे हैं तमाम अखबारों में जो विश्लेषण छपा है कि करीब करीब 16 ऐसी सीटें हैं जहां पर अगर मायावती साथ होती तो शायद वो सीटें भी इंडिया गठबंधन जीत जाता। तो अगर चंद्रशेखर को साथ लेते तो क्या लगता है कि उसमें कुछ सीटों में और इजाफा हो सकता था?
देखिए अनुमान है ये, और बहुत सी 21 सीटें ऐसी हैं जहां बसपा ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया है, तो अगर साथ में जाते, और मेरा ऐसा मानना है आकाश आनंद को विड्रा करने से, मायावती ने जो बीच में विड्रा कर लिया, उससे भी बसपा को नुकसान हुआ और उसका नुकसान उसका फायदा बसपा को मिला, समाजवादी पार्टी को मिला, इस तरह से कि जो संविधान बचाव वाले वोट थे वो बसपा के साथ चले गए। हो सकता है वो बसपा के साथ इंटैक्ट रहते तो बसपा की एक तो टैली बढ़ती, कुछ सीटें भी जीत सकते थे। चंद्रशेखर की जब हम बात करते हैं तो एक अग्रेसिव युवा दलित की हम चेहरा हमारे सामने आता है जो मुंह छुपे ताव दे रहा हो, और आकाश आनंद के जो भाषण थे वो भी बड़े फायरी थे और उतने ही कैची थे जितना कभी कांशीराम जी अपने शुरुआती भाषण में जैसा कहते थे, या फिर मायावती ने अपने शुरुआती दिनों में जिस तरीके बहुत आक्रामक भाषण देती थी, तो आक्रामकता से आपको पहचान मिलती है, और इस आक्रामकता का प्रतीक बन के सामने आए थे आकाश आनंद, और अचानक उनको विड्रा कर लिया गया। मैं नहीं समझ पाता कि वो इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने विड्रा किया था, या पार्टी के भीतर के कोई कारण थे, या एनडीए अलायंस को विड्रा करने के लिए उठाया था और उसका असर दूसरे की तरफ गया, कहना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी उनपे एक नुकसान उनको करता है, लेकिन अब ये दुविधा है कि मायावती को 3 बार तो बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बनवाया, इस तथ्य को कोई झुठला नहीं सकता, और ये जो परिस्थिति है उसमें मैं ऐसा समझता हूँ कि बीएसपी का जो वोट है वो मोर आजले सभी इंटैक्ट है, उनको 10% वोट मिले हैं और जाटो कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में 10% है, तो जो बेस वोट उनका है वो ऑलमोस्ट टाइट है, उनके साथ है। अगर आपको 84 लाख वोट उत्तर प्रदेश में मिले हैं तो ये बताते हैं कि हर लोकसभा क्षेत्र में आपके पास 1 लाख वोट तो बेस वोट बचा हुआ है, अब कहीं वो 1.5 लाख है, कहीं 2 लाख है, कहीं 50,000 है, कहीं 40,000 है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन एवरेज ऑन एन एवरेज जो है हर लोकसभा क्षेत्र में उनके पास 1 लाख वोट इस चुनाव में दिखाई दिया है, तो ये कम नहीं है, अच्छा खासा वोट है। और चूंकि मायावती जी के एजेंडे में मैं जो समझ पाया उनकी रणनीति को, वो 2024 से ज्यादा 2027 उनकी रणनीति में थी, और शायद सपा की भी थी, और दोनों में एक होड़ थी कि कौन 27 की तरफ तेजी से दौड़ेगा, तो अखिलेश तेजी से दौड़े। आज के दिन में 215 सीटों पर सपा कांग्रेस अलायंस विधानसभा की 215 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है, जो जो अभी रिजल्ट आए हैं उसमें, तो एक तरीके से अभी ही उनके संकेत अच्छे हैं। अब मायावती आगे चल के इसको कितना बिगाड़ेंगी, कितना अपने फेवर में लाएंगी, बीजेपी का कितना वोट वो ले पाएंगी वापस जो बीजेपी के साथ चला गया था 2014 में, कई ऐसी चीजें हैं जो जिसपे अभी निगाह रखने की जरूरत होगी। जी सुशील पासी जी कुछ कह रहे थे, आप उसके बाद फराज किदवई साहब के पास आना चाहता हूं। मैं ये कह रहा था कि जो अनुसूचित जात और कमजोर जातियां हैं अब राहुल गांधी में अपनी उम्मीद देख रहे हैं, उनको ये लगता है कि पुराने समय में कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया था, उनके जीवन में जो बढ़ोतरी आई है वो कांग्रेस की देन आई है, तो अब वो भटकना नहीं चाहते हैं और उनको लगता है कि हम अलग थलग पढ़ करके हम समाज को एक दलित के रूप में अलग करेंगे तो विकास की मुख्यधारा से या फिर राजनीति की मुख्यधारा से बाहर जाएंगे। तो आज की तारीख में अनुसूचित जाति के लोग कांग्रेस की जो विचारधारा है कि सबको साथ रह करके ही अनुसूचित जात का व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, तो वो उस विचारधारा के साथ फिर से वापस आना चाहता है, क्योंकि 56 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे, तो संविधान का इंप्लीमेंट अगर किसी ने कराया है तो कांग्रेस ने कराया, और कांग्रेस की नीतियों के कारण उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में काफी परिवर्तन आया है। तो अब मुझे लगता है कि पूरे अनुसूचित जाति के लोग जितने भी सोचते हैं उनको लगता है कि राहुल गांधी के साथ हम फिर से कांग्रेस के साथ खड़े करें और अब अलग थलग होने की बजाय वो मुख्य धारा की राजनीति करना चाहते हैं। जी फराज किदवई साहब, अभी ऋचा राजपूत जी कह रही थी बहुत सारी बातें उन्होंने गिना दी, तमाम जिलों के नाम जो दलित महापुरुषों के नाम पे थे उनके नाम बदल दिए आपने, और ये भी बात ठीक है कि मायावती पर हमले का एक जो दाग है वो तो हमेशा रहेगा समाजवादी पार्टी के दामन पर। तो आपको लगता नहीं कि ये जो दलित वोट बैंक शिफ्ट हुआ आपकी तरफ, दरअसल मैं फिर वही कहूंगा कि वो नेगेटिव चस्पा करने में आप कामयाब हो गए कि संविधान बदल देगी बीजेपी आई, तो बड़ा इस बार आपने बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दे दिया, जैसे वो लोग नेगेटिव बना देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत भ्रष्टाचार खत्म, इस बार आपने नेगेटिव चस्पा कर दिया। मानस जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एक बात की कि आपके आशीर्वाद से हम लोग बहुत सारे चैनल्स के डिबेट करने जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा मुझे आपके चैनल पर अपनी बात रखने में आता है, क्योंकि सब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड आपकी डिबेट होती है और अपने बात रखने के लिए टाइम मिलता है,
और दूसरी बात, आप राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसे बुलाते हैं जो वाकई विश्लेषण करते हैं, हमारी कमियां बताते हैं, सत्ता पक्ष की कमियां बताते हैं और दोनों की स्ट्रेंथ बताते हैं। तो विजय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब आपने मुझे बोला कि हम लोग ने नैरेटिव चस्पा कर दिया। देखिए, नैरेटिव नहीं चस्पा किया, आप इतिहास में जाइए। एक किताब है बंच ऑफ थॉट्स, विजय जी को पता होगा, बंच ऑफ थॉट्स के पेज नंबर 367 पर जाइएगा, जहां पर गोलवारकर साहब ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की मुखालफत की है और क्लास बेस्ड रिजर्वेशन की उन्होंने पैरवी की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरएसएस की किताब है ये, पहली बात। दूसरी बात, विवेक देबरॉय जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने संविधान को क्या कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलोनियल लेगेसी। आपके दर्शकों के लिए मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं तो संविधान को उन्होंने अंग्रेजों का एक लेगेसी बताया था। लल्लू सिंह जी ने क्या कहा था, तो हम तो वही बोल रहे हैं कि गोलवारकर साहब से लेकर के और लल्लू सिंह तक, इन सब ने कहा कि ये लोग आरक्षण के विरोध में हैं और संविधान बदलना चाहते हैं, तो हम जनता के बीच में लेकर के गए। हमने चस्पा नहीं किया, हम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके महापुरुषों से लेकर के और इनके अभी सांसदों तक और इनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और लल्लू सिंह तक जो बातें कह रहे थे, हम लोग जनता के बीच में लेकर के गए, पहली बात। दूसरी बात, अब आ जाते हैं, विजय भाई ने बोला अभी कि समाजवादी पार्टी का बेस वोट। विजय जी, समाजवादी पार्टी जो है वो नेताजी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी को हम कभी बूढ़ा नहीं होने देंगे, और आज की तारीख में समाजवादी पार्टी की जो कमान है वो अखिलेश यादव जी के हाथ में है, जिन्होंने 2012 से लेकर के 2017 में एक बेहतरीन सरकार चला करके दी। अब तो हमारे लिए बेस वोट जो है ना, वो उत्तर प्रदेश का करोड़ों जो वोटर हैं वो सब बेस वोट है। अब भारतीय जनता पार्टी बहुत यादव भाइयों की बात करती है, मानस जी मोहन यादव जी को यहाँ पर लाते हैं काम करवाने के लिए उनसे और एक नैरेटिव सेट करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कितने यादव भाइयों को टिकट दिए मानस जी, आपको पता है कितने दिए? एक। तो अगर इतने ही ये मोहन यादव जी से प्रेम करते हैं 80 टिकट में से, क्या 4 या 5 टिकट यादव भाइयों को नहीं दे सकते थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी हमारी बहन डॉक्टर ऋचा राजपूत हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजें गिनवाई और नाम बदलने तक की पर ही से शुरू करके और उस पर खत्म कर दिया। ये सच है कि इन्होंने जिलों से लेकर के मोहल्ले तक के नाम बदले, लेकिन राम राज्य की जिसकी ये बात करते थे, जिसकी परिकल्पना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में की थी कि अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षण ही ना। इसकी अगर आप पहली उसमें जाइएगा लाइन में, तो अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, यानी कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी जो है वो राम राज का जो तस्वूर है उसमें नहीं होती। डॉक्टर ऋचा राजपूत को मैं बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक सर्वे की एक भारत सरकार की एक किताब है, उसको उठाएंगी, उसमें पेज नंबर 187 पर लिखा हुआ है कि 36 स्टेट्स में से इन्फेंट मॉर्टेलिटी यानी कि अल्प मृत्यु सबसे ज्यादा अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। डॉक्टर साहब, आप नाम मोहल्लों के बदलिए, आप शहरों के बदलिए, आप उत्तर प्रदेश का बदल दीजिए, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी कम करिए, मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट कम करिए। हम इंडिया में वन ऑफ द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम में, उस पर कैपिटा इनकम को बढ़ाइए। आरबीआई का आंकड़ा है कि हमारा जो खेतिहर मजदूर है उसकी वन ऑफ द लोवेस्ट जो मानस जी जो वेज है वो उत्तर प्रदेश में 375 मिनिमम वेज रेट है, हम आज की तारीख में 229 या 230 रुपए के आसपास घूम रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये जरूर बताएगी कि हमने प्रयागराज का नाम बदल दिया, बहुत अच्छा किया, हमने फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या रख दिया, बहुत अच्छा किया, आप अमीनाबाद का नाम बदल करके कुछ और रख दीजिए, गोमती नगर का नाम बदल करके कुछ और कर दिए, लेकिन हाथ जोड़ करके विनती है कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी इस प्रदेश से कम कर दिए। तीसरा, संविधान बदलने वाली मैंने आपको बात बताई दी। चौथा मानस जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था, ये चुनाव शहनशाह के घमंड को तोड़ने का था, उसमें समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई। आज हम उत्तर प्रदेश में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरे हैं, लेकिन मानस जी हाथ जोड़ करके विनम्रता से मैं जनता का मैंडेट एक्सेप्ट कर रहा हूं और समाजवादी पार्टी को कोई घमंड या गुरूर नहीं है, क्योंकि फिर हमको चुनाव में जाना है, फिर जनता के पास जाना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनके एक विचारक हैं, उन्होंने अभी बोला कि जिन लोगों ने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया वो भुगतेंगे, ये इनका एटीट्यूड है।
जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। मैं वन टू वन आपको चैनल का नाम और उन भाई साहब का नाम भी बता दूंगा। तो प्रधानमंत्री जी ये असलियत में क्या है कि ये तो प्रधानमंत्री जी की पर्सनल हार है। 303 सीटें जीते थे, 303 से 275 के बीच में रहते तो हम बोलते कि ये मॉरल डिफीट है। 250 से लेकर के मानस जी 273 के बीच में जाते तो हम ये बोलते कि ये भारतीय जनता पार्टी की डिफीट है, हार है। लेकिन 250 के नीचे आने का मतलब है ये कि प्रधानमंत्री जी की ये पर्सनल हार है। क्योंकि क्या बात करते थे ये लोग, अब की बार मोदी सरकार वैक्सीन के ऊपर तो मोदी जी की फोटो, आठ जो गेहूं चावल दे रहे थे उस पर मोदी जी की फोटो, जहां जाओ रेलवे स्टेशन पर मोदी जी की फोटो, एयरपोर्ट पर मोदी जी की फोटो। अरे साहब, तो फिर ये जो आपको हार मिली है वो तो मोदी जी की को जनता ने एक हिसाब से आप समझ लीजिए कि रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या है कि ये चुनाव जो था ये कोई आम चुनाव नहीं था। और जी विजय उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं चित्तौड़ साहब और ऋषा राजपूत जी से भी कमेंट लेना चाहूंगा। जी विजय उपाध्याय जी, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ फराज जी से कि क्या इंग्लैंड में कोई संविधान है और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या अंग्रेजों ने 1935 में बनाया था? नहीं, मैं विजय जी जो कोलोनियल लेगेसी की बात कर रहे हैं ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये विवेक देबरॉय ने जी ने बोला था। तो नहीं, मैंने, नहीं, मैंने ये सवाल आपसे किया कि क्या इंग्लैंड में कोई संविधान है लिखित, जैसा भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं है। अच्छा, क्या 1935 में अंग्रेजों ने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक दस्तावेज बना के लागू किया था? आप सीधे सवाल पे आइए, आप हमारा क्विज मत करिए, मेरा एग्जाम ना लिए, सवाल पूछिए सीधा, वरना फिर हम भी आपसे 10 सवाल पूछ लेंगे क्या क्या करते हैं, थोड़ा फिर वो लंबा हो जाएगा। आप जो सवाल जब इनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं तो ऐसे ही लोग पीछे हो जाते हैं। नहीं पीछे हो रहे ऋचा जी, नहीं पीछे हो रहे ऋचा जी, नहीं पीछे हो रहे फराजी। हम भी पूछ लेंगे आपसे कुछ कुछ, आप किसी आप किसी पढ़ने लिखने वाले गंभीर डिबेट करते हैं, मैं आज से नहीं बहुत दिन से आपको आपके साथ बैठता हूँ। देखिए, भारत में संविधान, भारतीय संविधान 1935 में अंग्रेजों ने एक लागू किया था, बाद में हमारी संविधान सभा ने नया संविधान बनाया, लेकिन बहुत से कंटेंट पुराने संविधान के। दूसरी बात, अंग्रेजों ने जो आईपीसी और सीआरपीसी बनाई है ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, पाकिस्तान में यही है, बांग्लादेश में यही है, थाईलैंड में यही है, मलेशिया में यही है, इंडोनेशिया में यही है, कॉमनवेल्थ कंट्री के कई देशों में ये सेम अंग्रेजों वाला ही सिस्टम है और वो सिस्टम चला रहा है। उन्होंने अपने यहाँ संविधान नहीं बनाया, लेकिन हमारे यहाँ संविधान बनाया था। और जहां तक देखिए, मैं उनको बंजा थाट को उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्लास की बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी किताबों में किया है कि भारत में क्लास है, कास्ट बाद में आई है, क्लास पहले है, और एक्चुअली क्लास्ट ही कास्ट से क्लास में कन्वर्ट हुआ। ये उनका उनकी जो अनटचेबिलिटी पे उनकी जो किताब है उसमें बाकायदे उन्होंने इसको बहुत अच्छे से स्थापित किया है। जी साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विजय जी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की मुखालिफत नहीं की है, मुखालिफत देखिए, हाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मुखालिफत नहीं की। गोलवरकर साहब ने तो उसको रिजेक्ट किया था। दूसरी बात मैं भूल गया था मानस जी, अच्छा हुआ विजय जी ने याद दिलवाया, 2015 में मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जरूरत है, और एक स्टेटमेंट मुरली मनोहर जोशी जी का भी ऐसा ही है, जिसको कि अभी मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं वो स्टेटमेंट बोल नहीं रहा हूँ, अभी एक दो घंटे में मैं रिसर्च करके वो भी मैं। राज भाई, उत्तर प्रदेश में तो आरक्षण की समीक्षा के लिए 2002 में हुकुम सिंह कमेटी बन गई थी कि ओबीसी क्लास, और अभी भारत सरकार ने भी एक रोहिणी कमीशन बनाया जिसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी है, और उसको ऑब्जेक्टिव अलग रोहिणी कमीशन। जब 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 कोई जी ने तो पूरे आरक्षण का उन्होंने बोला था कि समीक्षा करना और खत्म करना दोनों में अंतर। देखिए, आप पॉलिटिकल टर्म में उसको खत्म करना कह सकते हैं, लेकिन जब फराज भाई कहेंगे कि नहीं इसको रिव्यू करेंगे तो हम ये मानेंगे कि उसमें कुछ कमियां या कुछ बेहतरी, कुछ संशोधन, क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती है। वो ठीक बात है कि मोहन भागवत को आप क्रिटिसाइज करिए, मैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी का, ये बढ़ना भी चाहिए, हम इसके समर्थन में है, लेकिन क्या आर्थिक और सामाजिक शैक्षिक तौर पर जो पिछड़ेपन की जो परिभाषाएं थी, 30 साल बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमारी सरकारों ने इतने दिन के दरमियान क्या अचीव किया? क्या कोई कास्ट ऐसी है जो इस दायरे से बाहर भी निकलने की स्थिति में आ चुकी या नहीं आ चुकी, और नहीं आई तो क्या कमियां हैं? तो मुझे लगता है कि इस पे भी एक हेल्दी डिबेट होना चाहिए, क्योंकि 89 के बाद सभी की सरकारें रही हैं,
और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अगर सुविधाएं मिल गई हैं और अगर आप पे किसी कम्युनिटी पे ये रहता है कि नहीं ये ज्यादा रिजर्वेशन तो यही ले रहे हैं, बाकी बहुत सी दबी कुचली अभी भी जातियां हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनको बेहतर अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए इस देश में सबसे ज्यादा तो सभी पूरे देश में सभी को रिजर्वेशन है इस समय। 10% जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसमें अपर कास्ट का मुसलमान हो, अपर कास्ट का हिंदू हो, या जनरल कास्ट जिसको कह लें, या पारसी हो, जो भी समुदाय आर्थिक रूप से कमजोर है, उन सबको है, पूरे देश को रिजर्वेशन है, कोई एक दो हिस्से को नहीं रह गया, अब तो सभी को रिजर्वेशन हो चुका है। तो कई चीजें ऐसी हैं जहां पे बुनियादी सुधार की जरूरत है। मुझे लगता है कि ज्यादा दिन ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जो ये रिजल्ट आए हैं लोकसभा चुनाव के, अगर आप देखेंगे तो यादव से ज्यादा कुर्मी सांसद चुन के आए हैं, जबकि यादवों की आबादी 10% है, कुर्मियों की आबादी कम है। पासी समाज ज्यादा जीत के आया है, जाटा समाज की आबादी ज्यादा है। तो ये नए जो उभार आ रहे हैं, और पसमांदा एक भी नहीं जीता है, अशराफ जीते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये नई जो उभार आ रहा है इस पे भी आप जैसे चिंतकों को इस पे भी बात करनी चाहिए। सिर्फ हार जीत तो चुनाव में चीजें चलती रहती हैं, आपकी सरकार बन गई, दूसरे किसी की बन गई। ऋचा राजपूत जी के पास नहीं जा पाया फराज भाई। ऋचा राजपूत जी, छोटा सा जवाब चाहेंगे कि दलित वोट बैंक जिसको 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में देखा गया, यही वजह थी कि मायावती को नुकसान भी होता और आपका ग्राफ बढ़ता चला गया, इस बात वो क्यों खिसक गया, आपको क्या लगता है? देखिए जैसे इन्होंने एक बात बोली कि लल्लू सिंह जी ने बोला था कि हम संविधान बदल देंगे 400। देखिए ये आपको भी पता है कि अगर कोई बहुत बड़े फैसले लेने हो, जिस तरीके से मोदी जी ने अपने कार्यकाल में, चाहे धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, ये सब फैसले तब ले पाए जब वो पूर्ण बहुमत में थे। अब कोई शब्द किसी के द्वारा कहा गया, यहाँ तक कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मंच से कई बार कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान नहीं बदल सकते, और देखिए आपके सामने बैठे हुए लोग ही अभी ये चीज को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो डर पैदा करा कि हम संविधान बदल देंगे। दूसरा ये जो कह रहे हैं कि हमने दलितों का वोट लिया, ओबीसी का लिया, पीडीए का नारा काम किया, तो भैया एक बात बताइए, यही कांग्रेस 8 राज्यों में जीरो पे रही, 8 राज्यों पे जीरो पे, 4 राज्यों पे ये एक एक सीट लेके आए, मतलब ये जो टोटल 12 जगह हैं, 12 राज्यों में क्या दलित नहीं था, क्या ओबीसी नहीं था, कि सवर्ण नहीं था, कि पीडीए का नारा नहीं चला? आप बात को ये इस तरीके से देखिएगा कि ये जो केवल उत्तर प्रदेश को लेके इतना उछल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, इतना मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक दुर्भाग्य कहिए या फिर ये कहिए ना कि राजनीति के जो रास्ता खोलने वाला उत्तर प्रदेश है, यहाँ जाति के अनुसार टिकट वितरण होता है तो परिवर्तन आता है, अपने मन का अगर लोकल प्रत्याशी सांसद नहीं मिलता है तो परिवर्तन आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते यदि मैं एक बात बोलूं तो जिम्मेदारी से ये कह सकती हूँ कि शायद जो लोकल कैंडिडेट से नाराजगी थी ये सबसे बड़ा हमें नुकसान कर गई है। आप देखिएगा जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदला वो सारी सीटें हम जीते हैं, लाइन से एक भी ऐसी सीट नहीं है जो हम हारे। तो कहीं ना कहीं मुझे जो काम नहीं किया ना, आपके सांसदों ने काम नहीं किया, तभी तो जनता नाराज हुई। मैं आपसे यही तो बोल रही हूँ कि लोकल प्रत्याशी की जो नाराजगी थी, जो इनको बहुत उस घमंड में रह गए या फिर ये कही कि बहुत ज्यादा अति उत्साहित रह गए कि हम तो मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे, ये नाराजगी लोकल कैंडिडेट ने उठाई और इसी से भारतीय जनता पार्टी को एक डेंट लगा उत्तर प्रदेश में। दूसरा मेरे भाई ने संविधान की बात करी, नहीं अभी अभी मेरी मेरी बात रह गई है, मैंने संविधान पे इन्होंने बात की थी। देखिए जो सेक्युलर वर्ड सुनिए, जो ये सेक्युलर वर्ड हमेशा बोला करते हैं, आपको पता है जो ये कह रहे संविधान बदल देती, संविधान तो सबसे ज्यादा अगर बदलने वाली कोई पार्टी है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस रही है। जो सेकुलर वर्ड है वो भी संविधान में परिवर्तन करके अगर किसी ने डाला है तो 1976 में हमारे नेहरू जी के कार्यकाल में डाला गया है। दूसरा कहने की यादव को टिकट नहीं दिया, आप इमेजिन करिए कि नेहरू जी नहीं थे मैम, अरे मैं आपका कार्यकाल में थे ना, आप कार्यकाल में थे ना, अपने नेहरू जी नहीं थे मैम 76 में। अरे भाई कांग्रेस का कार्यकाल था कि नहीं था, कांग्रेस का काम था कि नहीं था, तो नेहरू जी, हाँ नेहरू जी की विचारधारा की बात कर रही हूँ। दूसरा इन्होंने बोला कि आप यादव को टिकट नहीं दिया, आप इमेजिन करिए ऐसी समाजवादी पार्टी जिसमें इनके परिवार के यादव के अलावा कोई और लड़ पाए, लाइन से जितने यादव जीते हैं, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई उनका भांजा है, सारे के सारे उन यादवों को टिकट दिया गया जो इनके घर के थे। आप कभी भी चाहे मुलायम सिंह यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये अपने परिवार के यादव के अलावा किसी को मुख्यमंत्री बनाने का सोच नहीं सकते हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि क्या वो बता रहे थे मुझे मृत्यु दर बता रहे थे,
भाई साहब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ। पूर्वांचल में, पूर्वांचल में एक बहुत बीमारी हुआ करती थी, जापानीज इंसेफेलाइटिस। जिस समय पे चार बार ही समाजवादी पार्टी ने गद्दी संभाली, उस समय में लगभग 50 साल में 40,000 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हुई थी। और जो ये पीडिया का कॉन्सेप्ट लेके घूमते, ये पीडिया ही वाले बच्चे मरे थे, क्योंकि ये बीमारी होने का मुख्य कारण गंदगी थी और खराब पानी था। तो जितने पिछड़े समाज, जो गरीब गुनबे जिनके पास घर नहीं होता था, वही इस बीमारी से मर रहे थे। लेकिन उस समय भी अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी सैफई के बड़े बड़े कार्यक्रम किया करते थे। किसी ने भी चल के, अगर आप एक वीडियो सोशल मीडिया पे दिखा दीजिएगा कि बच्चों की मृत्यु के बाद वो किसी से मिलने गए हो, उसी समय पे ये योगी आदित्यनाथ जी ने पैदल यात्रा करी, दस्तक जैसा कैंपेन उठाया और उसके बाद उस पे काम किया। और लगातार काम करने का नतीजा है कि इस बीमारी को 38 जिलों से उठा के बाहर कर दिया गया है। कभी भी ये लोग पूरे संविधान की बात में कहीं भी वक्फ बोर्ड की बात नहीं करते। बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा, समय बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मुद्दा अगली बार के लिए रहेगा। ठीक है ऋचा राजपूत जी, बहुत शुक्रिया। फराज भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, सुशील पासी जी समय निकाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। विजय उपाध्याय जी बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए, और चंद्रशेखर की आधा समाज पार्टी से चित्तौड़ साहब भी हमारे साथ शिरकत कर रहे थे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी अपनी जगह खड़ा हुआ है कि क्या उत्तर प्रदेश की दलित सियासत में एक नए चेहरे का आगाज चंद्रशेखर के चेहरे के तौर पर होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का कमाल उन्होंने करके दिखाया, अपने दम पे निर्दलीय चुनाव जीत करके आए। हालांकि लंबे समय तक वो इंडिया गठबंधन के साथ आने का प्रयास करते रहे, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ वो लड़ते रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने उन्हें स्थान नहीं दिया। बावजूद इसके वो अपने दम पर चुनाव जीत करके आए, बेहद आक्रामक अंदाज में रहे, बड़े सख्त तेवरों के साथ वो हमेशा बीते एक दशक से जनता के बीच में थे। ये वही तेवर थे जिसके लिए कभी मायावती को पहचाना जाता था। वो मंच से जब अपने आक्रामक तेवरों से चुनौती दिया करती थी तो दलित समुदाय के लोग तालियां पीटा करते थे, लेकिन इस बार न वो तेवर थे, न वो तलखी थी, न वो आक्रामकता थी, और न ही उस तरीके का प्रचार हुआ। चलिए चर्चा को ही समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।